नमस्कार दोस्तों, आपने लैला मजनू की तो बहुत से किस्से सुने होंगे, बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आज उसी का ही एक प्रस्तुति है हमारे पास, माननीय मजनू जी। मजनू जी, माननीय सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस समय की वो पर्सनैलिटी थी जिसने पत्थर खा खा के आशिकी करी है। आज के तो दो डांट ना सुन पाए। क्या कर रहा है हरामजादे? बता भी नहीं सकता कि कहीं चैट कर रहा है। तो हमारे साथ प्रस्तुति होने जा रही है मजनू जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास आ गए हैं माननीय मजनू जी। मजनू जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। तो मजनू जी, ये क्या ले आए आप? अरे, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता ना। जब से लल्ला छोड़ के गई है, मेरी तो यही लल्ला है। वाह मजनू जी, वाह, आपसे इसी की उम्मीद थी। क्या भव्य स्वागत! अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसे रख देंगे? नहीं नहीं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना मेरा। तो यहाँ कौन सा आपको खेत जोतना है? कुछ नहीं रखा, बातों में खुरपा ले लो हाथों में। मजनू जी, इसे देख के तो ये लग रहा है, फटे तो फटे मगर पोजीशन ना घटे। तो लैला की आशिकी में कुट कुट के यही दवाई है मेरी, इसके बिना तो काम भी नहीं चलता। तो मजनू जी, आइए पहला प्रश्न आपसे रखते हैं, आपका नाम मजनू कैसे पड़ा? मजनू मेरा नाम, एक्चुअली में मेरा नाम था मधुर। मैं अपनी लैला के चक्कर में ढाबे पे काम करता था, तो ढाबे का मालिक मेरे से बर्तन मजवाता था। वो बार बार कहता था मजनू मजनू मजनू, और मेरी लल्ला जब आई तो उन्हें सुनिया है था नाम था मजनू हैगा, ताइयों मेरा नाम माई या मजनू पै गया। मजनू का किस्सा ये है? मजनू का किस्सा आई हैगा। जितने आशिक हैं आपकी नाम की कस्में खाते हैं, उस समय जो प्रेम किया आपने, पत्थर खाए, बड़ी बातें सुनी, मार कुटाई, आज के आशिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई साहब, कुछ नहीं रखा बातों में खुरपा ले लो हाथों में, सब बेकार की चीजें भाई। पढ़ ले बेटा, मौका है, प्यार मोहब्बत धोखा है।